नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में आज एक तरफ भाजपा ने जहां कानूनी व्यवस्था को लेकर के बिलासपुर में एक बड़ा रोष प्रदर्शन किया है, वहीं अपने चुनाव प्रचार को छोड़कर आशीष शर्मा आज शिमला में नजर आए और वो शिमला के बालूगंज थाने में पेश हुए। ये दो बड़े वो सियासी घटनाक्रम थे जिन पर पूरे प्रदेश की नज़रें लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है अब एक ट्रॉमा सेंटर जो है वो मिलने जा रहा है। जी हाँ, ट्रॉमा सेंटर के लिए 100 पदों की जो है वो स्वीकृति सरकार ने दे दी है। इन सब बातों को लेकर के आइए चर्चा करते हैं आज के इस पूरे के पूरे प्रदेश के घटनाक्रम की। आज प्रदेश में जो सबसे बड़ा मामला था वो था गोलीकांड का मामला। जी हाँ, बिलासपुर में जिस तरह दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ उससे एक तरफ जहाँ पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी इस मौके पर पूरी तरह से कांग्रेस सरकार को घेरते हुए बिलासपुर में एक बड़ा रोष प्रदर्शन का आयोजन किया। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि प्रदेश में इस समय उपचुनाव का दौर है, इस उपचुनाव के दौर में भाजपा ने तीनों जो उपचुनाव जो हो रहे हैं हमीरपुर, देरा और नालागढ़ को छोड़कर इस बार बिलासपुर में जो गोलीकांड है उसके खिलाफ एक बड़ा रोष प्रदर्शन किया है। इस रोष प्रदर्शन में जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, राजीव बिंदल से लेकर के भाजपा के सभी बड़े नेता मौजूद थे और सभी ने एक सुर से प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को दोषी ठहराया है। उनका आरोप है कि सुक्खू सरकार और सत्ता में मस्त हैं जबकि जनता त्रस्त है। आपको बता दूँ कि जिस तरह से बिलासपुर में ये जो गोलीकांड हुआ है और इसमें जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व विधायक का नाम सामने आया है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पे लगातार कांग्रेस आती जा रही है। आपको बता दूं इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले कह दिया है कि ऐसी घटनाएं देवभूमि में कतई बर्दाश्त नहीं होगी और उन्होंने इस संबंध में पुलिस मुखिया को और साथ में एसपी को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में अगर मैं बता दूँ तो आज जो भाजपा का जो रोष प्रदर्शन था, आइए सबसे पहले देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर। ये हालात हमने हिमाचल प्रदेश में आज नहीं, आज हम इस तरह के देख रहे हैं जो कभी नहीं देखे थे हमने हिमाचल प्रदेश में। जब समोद पुलिस के पास मौजूद है तो कार्यवाही में विलंब क्यों है, ये बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है। अगर विलंब की अगर बात आती है, यह सरकार के संरक्षण देने की बात आती है, सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। और पिछले 16-17 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में भाई और बहनों अभी तक 75 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं और लगभग 300 के लगभग जो है बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। चोरी डकैती का तो रिकॉर्ड जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। ये नशे की तस्करी का अड्डा बनता जा रहा है ये देवभूमि हिमाचल और उसमें देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर। इससे बड़ा चिंता का कोई और विषय नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी हमारी किस प्रकार से इस नशे की चपेट में आकर के जो है बर्बाद हो रही है, क्या सरकार को इस बात की चिंता है? क्या सरकार को इस बात की कल्पना है? सरकार को कोई लेना देना नहीं है, सरकार तो सिर्फ एक काम में लगी है कि ये कुर्सी कैसे सलामत रहे, ये कुर्सी कैसे बची रहे। आज भी हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री और उनका सारा परिवार वोट मांग रहा, सरकार बचाने की ये गुहार कर रहा है और यहां इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिन दहाड़े दिया जा रहा है। जहां गोली चलती है, गोली चलने के बाद आरोपी फरार होते हैं और उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। सुखू भाई, इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दिया तो बहुत मुश्किल में होंगे आप। जो आरोपी है, दोषी है, वो किसी भी पार्टी का है, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो सब जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार की परिस्थिति यहां पर पैदा होने की कोशिश करेंगे। अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे,
तो भारतीय जनता पार्टी झंडा उठा करके आपको विवश करेगी। उनको जितने भी ऐसे दोषी लोग हैं, जितने भी इस प्रकार के गुंडे लोग हैं, उनके जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा तब तक के लिए आंदोलन बंद नहीं करेगी। कितनी विचित्र बात है, ये घटना घटित हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे मामले को रफा दफा करने के प्रयत्न प्रयास हो रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, में लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं, हम आज बिलासपुर में इसलिए आए, हम पार्टी का समस्त प्रदेश का, हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिसमें भाई अनुराग ठाकुर जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष, डॉक्टर बिंदल जी, यहां पर सारे बिलासपुर के माननीय विधायक, हम सब लोग इस बात के लिए आए हैं। ये असुरक्षा का एक माहौल जो पूरे हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया है, इसके खिलाफ अब जो है, अब आवाज उठाने का वक्त आ गया है, और ये आवाज हम यहां बिलासपुर से उठा रहे हैं। ये विषय बिलासपुर का ही नहीं है, ये पूरे प्रदेश की सुरक्षा का, रक्षा का विषय है। तो जयराम ठाकुर का आरोप बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में दिन दहाड़े जिस तरह से गोलीकांड हो रहा है, जिस तरह से प्रदेश में लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित रही है। उन्होंने और दूसरी तरफ से उन्होंने कहा, जिस तरह से इसमें एक कांग्रेस के नेता का नाम आ रहा है, उससे साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों का बचाव कर रही है। इस मौके पर हमीरपुर के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौके पर मौजूद थे। आइए सुनाते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। जिला बिलासपुर के मुख्यालय कहीं और, कहीं डीसी दफ्तर के सामने, एसपी दफ्तर के आगे, जिसके आस पास इतने लोग होते, वहां पर आज अगर पेड शूटर्स को बुलाकर किसी की हत्या करने का प्रयास किया जाता है, तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई और नहीं हो सकती। ये ऐसा दाग लगा है, ऐसा धब्बा लगा जो मिटाते मिटाते नहीं दिख पाएगा। लेकिन साथियों, ये भय भ्रष्टाचार और माफिया राज, ये गुंडा राज, जिसके कारण आज प्रदेश में इस तरह का माफिया और गुंडे खुले में घूम रहे हैं, एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार का डर नहीं है। अगर हमारे स्थानीय विधायक आज से 15 दिन पहले स्वयं जिला के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को फोन करके कहते हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है, तो इसका मतलब सूचना तंत्र तो फेल है, इंटेलिजेंस तो इनकी फेल है। लेकिन अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि भी जानकारी देता है, तो क्या जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जाती या संरक्षण देने का प्रयास किया जाता है? क्या ऐसा लगता था कि हाँ गोलीकांड हो जाए, ये भाग तो जाएंगे, कोई पकड़ नहीं पाएगा? लेकिन इनको कहां पता था, ये वीर भूमि के, हिमाचल प्रदेश के हमारे नौजवानों के सामने बच नहीं सकते थे, हमारे नौजवानों ने पकड़ने का काम भी किया। इनके अतिरिक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य नेताओं ने भी इस मामले में जमकर जो है कांग्रेस को लताड़ा है। उनका मानना है कि इस तरह की अपराध की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषकर उन्होंने लड़कियों से, जो पिछले दिनों दो दिनों से लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं, उस पर भी उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रदेश में पहली बार इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भाजपा ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया है। इससे कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस, बिलासपुर पुलिस इस मामले में पूरी तरह से तेजी से काम कर रही है, और पुलिस ने साफ कहा है कि जो हत्यारा था, उसे जिस व्यक्ति ने सुपारी दी है, उसका नाम सामने आ गया है। और वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बेटे को भी अभी तक जमानत नहीं मिली है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये सबसे पहले सुनाते हैं बिलासपुर SP का ये बयान, जो बता रहे हैं कि इस घटनाक्रम में किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है। पहली घटना हुई उस संदर्भ में थाना सदर में 60/24 7 IPC और रामसेट में FIR दर्ज हुई। घटना के तुरंत बाद जो मौके पर जिसने बताया गया था, वो आरोपी सन्नी गिल, जो कि लुधियाना का रहने वाला है, उसको मौके पर ही डिटेन कर लिया गया था, थाने ले जाया गया। घटना में ये सामने आया कि उसके पास एक जो है
कंट्री मेड वेपन मिला है, उससे दो फायर हुए, दो जो है, एक जो है विक्टिम है सौरभ पटियाल उसको लगा है, तो दूसरा जो फायर है पास में खड़ी गाड़ी पे लगा था। मौके से दो जो है खाली खोल भी बरामद किए गए। इसके बाद FIR दर्ज की गई और इस अक्यूज को थाने में ले जाया गया और इसे पूछताछ जब की गई तो उस पूछताछ में सामने आया है कि ये जो अक्यूज है पिछले कुछ समय से यहीं बिलासपुर में एक लड़का है जिसका नाम है अनमोल शर्मा उर्फ गोरो नड्डा, जिसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास उसके पिता का सरकारी क्वार्टर है वहाँ पर ये पिछले कुछ समय से रह रहा था। और जब उस व्यक्ति का क्वार्टर तक तलाश किया गया तो इसकी जो जरूरत की जो चीज़ें हैं कपड़े वगैरह वहाँ मिले जो कि प्रूव करते हैं वहाँ पर रह रहा था। गोरो नड्डा अनमोल शर्मा उर्फ गोरो नड्डा जो है वो भी इस पूरी घटना में शामिल होना पाया गया, उसको पता था इस पूरी घटना का और वो उसने इसको शेयर दी और सेंटर किया अपने पास इसको रुकवाया। इसके पश्चात जो सन्नी गिल मुख्य है जिसमें आरोपी जो है जिसने फायर किया था उसकी इंटरोगेशन में आया है कि इससे जो है कॉन्टेक्ट पुरंजन ठाकुर जो कि सदर के रहने वाले हैं पुरंजन ठाकुर सौरभ बंबर ठाकुर उससे ये टच में था और पिछले 20-25 दिन से उसे टच में था, एक दो बार आया था आगे वापस चला गया था, अभी पिछले कुछ समय से 5-6 दिन से यहाँ रुका हुआ था। पुरंजन ठाकुर ने इसको जो है बुलाया और पूरी घटना से वो परिचित था और उसी ने जो है विक्टिम है उनको आइडेंटिफाई करवाया और उन पर फायर करने की पूरी साजिश में शामिल। इस अक्यूज के लिए विभिन्न टीमें बनाई गई हैं और अलग अलग जगह हम रेड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको जितना जल्दी हो सके इसको डिटेन किया जाए। आज इसने माननीय उच्च न्यायालय में शिमला में जमानत के लिए अर्जी लगाई जिसके लिए हमने हमारी टीम के मेंबर वहां गए और उसका हमने अपना पक्ष रखा और इसका इसको जमानत जो है अग्रिम जमानत ना देने के लिए हमने माननीय अदालत में अपना पक्ष रखा। इसकी अग्रिम जमानत अभी मंजूर नहीं हुई है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अभी भी लंबित है, जैसे ही वहां से हमें फाइनल ऑर्डर मिलता है उससे हमें और क्लैरिटी आएगी कि अभी उसका स्टेटस क्या है। इसके बाद अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें दो लोग अरेस्ट हैं जिनके नाम मैंने बताया, इन दोनों लोगों का सामने हमने कोर्ट में पेश किया था, मान्य साहब के सामने पेश किया था, इनकी 5 दिन की जो है पुलिस रिमांड इनका प्राप्त किया गया है ताकि इनसे वो गहनता से पूछताछ की जाए और कौन एसोसिएट थे और पूरी जो साजिश जो रची गई फायरिंग उसमें और क्या क्या पहलू हैं उन पहलुओं पे अच्छे से जांच हो सके, इसलिए इनका 5 दिन का रिमांड लिया गया और इनसे पूछताछ अभी जारी है। अभी जो जिसने सूट किया सनी सेगल का नाम है, उसकी जो अन्य आरोपी है जिसकी हम तलाश कर रहे थे इस लोकप्रिय जमानत के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गया है उससे लगातार इसकी बातचीत है और इसने माना है कि उसी ने इसको बुलाया था और पूरी घटना को अंजाम देने के लिए इसको तैयार किया था। SP के इस बयान से साफ है कि किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव के अंतर्गत काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक का बेटा गुरुवार से फरार है, उसका फोन भी बंद है और गोलीकांड के आरोपी ने पूछताछ में सारी बातें बता दी है। फिलहाल पुलिस केस से जुड़े हर पहलुओं पर जांच कर रही है, उसी के आधार पर अपनी जांच को आगे बता रही है। मैं पूरे आपको घटनाक्रम की छोटी की जानकारी दे दूं कि ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है बंबर ठाकुर से बड़ी साथ कुछ दिनों पहले मारपीट हुई थी उससे जुड़ा मामला बताया जा रहा है। इस मामले में आरोपी जो है जैसे ही पेशी के बाद सौरभ पटियाल उर्फ फांदी अपने साथियों के साथ न्यायालय से बाहर आया, उसी दौरान उसके पीछे से आरोपी सन्नी गिल ने देसी कट्टे से उसके ऊपर जो है फायर कर दिए। एक राउंड फायर वहां चले और महिंद्रा जीप के शीशे को चीरता हुआ एक राउंड निकल गया जबकि दूसरा राउंड सौरभ पटियाल की पीठ पर लगा, उसे एम्स में दाखिल किया गया जहां पे वो उपचार के लिए अस्पताल पर चाया गया, वह अभी भी एम्स में उपचाराधीन है। इसके बाद पुलिस ने इस गोलीकांड के मुख्य आरोपी को
गिरफ्तार किया है और तब से ये जांच आगे चल रही है और इस मामले को सीधे कहीं ना कहीं विधायक से जुड़ता नजर आ रहा है। हालांकि बंबर ठाकुर भी इस मामले को पूरी तरह से राजनीति के प्रेरित करते हुए इसमें कहीं ना कहीं वो प्रदेश के DGP और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था बिलासपुर का पूरा मामला। इस प्रकरण पर भाजपा ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। अब देखते हैं इन चुनावों में क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा भाजपा बना पाती है या नहीं। वही दूसरी तरफ बिलासपुर पुलिस भी जो है इस मामले की पूरी तफ्तीश में पूरी तरह से जुटी हुई है। आइए अब अगला मामला आपको बताता हूँ। जिस तरह आप लोग चाहते हैं हमीरपुर में उपचुनाव है, उपचुनाव में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जो कभी हमीरपुर से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर जीते थे, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आशीष शर्मा की। आशीष शर्मा को इस बार भाजपा ने हमीरपुर से मैदान में उतारा है। पिछली बार वो बड़े अंतर से जीते थे, इस बार एक बार फिर से उनका मुकाबला कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा से है। लेकिन उन्होंने जो है नॉमिनेशन पत्र जो है परसों भरा है, लेकिन आज वो शिमला में थे। जी हाँ, वो चुनाव प्रचार को छोड़कर आज शिमला में पुलिस थाना बालूगंज में थे, जहाँ उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आशीष शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया है। इस मामले को लेकर के कांग्रेस के दो विधायकों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था और उसी जांच के चलते जो है पिछली लगातार 3 बार जो है आशीष शर्मा को थाने में तलब किया गया था। लेकिन इससे पहले 13 व 18 जून को जो पुलिस ने उन्हें निर्देश दिए थे उस दौरान वो वहाँ नहीं पहुँचे थे। आशीष शर्मा तीसरी बार पुलिस के समन के बाद आज जो है पूछताछ के लिए बालूगंज थाना पहुंचे थे। गौरतलब है कि इससे पहले भी उन्हें बीते 13 और 18 जून को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। लेकिन आज वो हाजिर हुए। लगभग 2 घंटे तक पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि वे कहाँ रहे, किसके साथ रहे और पूरी तरह से इस मामले की उन्होंने किस तरह से इस मामले से वो जुड़े, इन सब बातों को लेकर के पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। हालांकि आशीष शर्मा ने कहा है कि ये झूठी FIR है और पूरी तरह से जो है राजनीतिक प्रताड़ना का शिकार उन्हें बनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं आशीष शर्मा। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बुलाया था, यहाँ पे आया हूँ आज। जो भी पूछताछ इन्होंने की उसके सारे के सवालों के जवाब दिए हैं और हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी आपने आगे भी सवाल पूछना है या बुलाना है तो हमने रिक्वेस्ट की है कि कृपा करके 10 तारीख के बाद बुलाएं, क्योंकि चुनाव का समय है। एक एक घंटा एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दौरान, और मैं समझता हूं कि शायद ये सरकार भी समझती है, लेकिन सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है प्रताड़ना जो है इस सरकार में की जा रही है, विधायकों के ऊपर किस तरह से FIR हैं, झूठी FIR हैं लिखी जा रही हैं, की हैं, पहले भी की इन्होंने, हर परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और टाइम वेस्ट करने के लिए कि टाइम किसी भी तरह वेस्ट हो यहाँ से जाएं, क्योंकि मैं चुनाव में हूँ, उपचुनाव में हूँ, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, हेडक्वार्टर की सीट है, तो वो भी ये मतलब कोशिशें हैं कि किसी तरह प्रशासन का जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। और चलो हम तो क्या ही बोल सकते हैं कि लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या प्रदेश में हो रही है वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये तो था आशीष शर्मा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका पूरी तरह से इस मामले में जो है वो सरकार उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दूं इसी केस में 4 दिन पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी भी शिमला पुलिस के सामने हाजिर हुए थे। कांग्रेस के विधायक संजय बस्ती और भुवनेश्वर गौड़ ने 10 मार्च को बालूगंज थाना में आशीष शर्मा और राकेश शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी और इन पर आरोप लगाया था कि वे सरकार गिराने का अंतर कर रहे हैं। पुलिस साक्ष्य जुटा रही है और इस पूरे मामले में अभी तक भी पूछताछ जारी है। हालांकि आशीष शर्मा ने पुलिस से आग्रह किया है कि वो चुनाव में व्यस्त है, इसलिए उन्हें आगामी पूछताछ के लिए 10 जुलाई के बाद ही बुलाया जा सके। इस तरह का मामला जो है वो इससे पहले जो निर्दलीय विधायक थे गगरेट से, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज है, उनके पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज है। वहीं कल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी
हमीरपुर के दौरे के दौरान आशीष शर्मा पर सबसे बड़े खनन माफिया होने का आरोप लगाया था। उसका भी आज आशीष शर्मा ने अपनी बाइट जो आपने सुनी उसमें जवाब दिया है कि किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि एक क्रशर को ही हमीरपुर में चलाने की अनुमति दी जा रही है, जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के करीबियों से जुड़ा हुआ है। तो राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह से जारी रहेगा। अब आखिरी खबर मैं बताता हूँ, प्रदेश के लिए खुशखबरी है कि टांडा मेडिकल कॉलेज में अब किडनी के ट्रांसप्लांट के सफलता के बाद अब यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर खुलने की राह भी आसान होगी। जी हाँ, कांगड़ा चंबा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जिसको कैटर करता है टांडा मेडिकल कॉलेज। टांडा मेडिकल कॉलेज लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं आगे बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में काफ़ी समय से मांग की जा रही थी एक ट्रॉमा सेंटर, क्योंकि यदि कोई भी बड़ा हादसा होता है, दुर्घटना होती है, तो सीधे या तो शिमला रेफर किया जाता है या पीजीआई रेफर किया जाता है, लेकिन जब मामला बहुत ही गंभीर हो तो उस दौरान ये 3 घंटे का सफ़र मरीज पर बहुत भारी पड़ता है और मरीज़ कई बार रास्ते में ही दम तोड़ देता है। कई अरसे से टांडा में ये कवायद थी कि यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर खोला जाए। आज ये खुशखबरी मिली है कि टांडा में ट्रॉमा सेंटर के लिए 100 पद स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें न्यूरो सर्जन का पद भी है, जिसमें सर्जन का, ऑर्थोपेडिक, जितने भी उससे जुड़े हुए जितने भी टेक्नीशियन हैं, उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ है, फोर्थ क्लास स्टाफ है, सभी को लेकर लगभग 100 पदों को भरने की वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस बात की जानकारी आज कैबिनेट रैंक प्राप्त और टूरिज्म के चेयरमैन नगरोटा बगवा के विधायक आरएस बाली ने टांडा मेडिकल कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं आरएस बाली। अब देखिए, एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको और चीज बताना चाहता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ट्रॉमा के लिए 100 नई पोस्टें क्रिएट हुई है। कल यस्टरडे न्यू पोस्ट, 100 न्यू पोस्ट फॉर ट्रॉमा हैव बीन सैंक्शनड फॉर टांडा मेडिकल कॉलेज। आउट ऑफ दैट 9 पोस्ट आर असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूरोसर्जन, जनरल सर्जन, ये बता रहे हैं उसके अंदर न्यूरोसर्जन है, जनरल सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है और ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बाकी आपको ये बताते हैं। बाकी नर्सिंग स्टाफ है उसमें, उसमें सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, उसमें ओटीए चाहिए हमें, और उसके लिए हमें सफाई कर्मचारी चाहिए, उसके लिए वार्ड बॉय चाहिए। तो सारी जो पोस्ट हैं टोटल मिला के ये 100 के आसपास है। एग्जैक्टली 100 लोग ये कल ही क्रिएट हुई, ये कल क्रिएट हुई। आज हमारे प्रोसेस है, माल्य मंत्री जी कई दिनों से लगे थे इसके पीछे, तो हमें तो कल ही ऑर्डर मिले, तो आज हमने इनके पास पहुँचा देना। धन्यवाद। आरएस बाली ने इस मौके पर टांडा में जो किडनी ट्रांसप्लांट सफल हुआ है उसके लिए भी वहाँ के पूरे स्टाफ, प्रिंसिपल को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि अब लोगों को लाखों रुपए खर्च करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें घर द्वार पे ही ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है, एक नया माइलस्टोन है जो राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज ने अचीव किया है। और चाहे पैसा हो, चाहे परेशानी, जब आप बाहर जाते हो आपको कमरा लेना पड़ता है, बाहर की जगह बाहर की होती है, आप चंडीगढ़ जाओगे, दिल्ली जाओगे, वहाँ जाके बस में जाना पड़ता है, गाड़ी में जाना पड़ता है, गाड़ियाँ पार्क करो, फिर उसको लेके आओ, होटल लो, होटल के बाद किसी जगह जाओ, अपनी जगह में इतना बड़ा इलाज और इतनी एडवांस सर्जरी होना, ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं आप लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ और साथ में कामना करता हूँ कि ये जो सर्जरीज हैं ये बढ़ें, आप लोग यहीं पर लोगों का इलाज करें, पोस्ट केयर बहुत अच्छी हो, पोस्ट केयर जो होती है सर्जरी की उसमें बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका इम्यूनो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है और इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड के कारण आप इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे होते हो, और जब इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे आप होंगे तो बहुत सारी आपको इन्फेक्शन से बचाना पड़ेगा। तो आपके जो ओटीज हैं, चाहे आपके जो पोस्ट केयर है, उसमें इन्फेक्शन का कंट्रोल हो, ऐसी मैं कामना प्रिंसिपल साहब से और बाकियों से करता हूं। और आप लोग बेहतर काम करें, आप अपने और माइलस्टोन्स अचीव करें, हमारा रोल सिर्फ आपके साथ खड़ा होना है। मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक दिन की मॉनिटरिंग की है इसके लिए, ठाकुर सिकुंदर सिंह सुक्खू जी भी मेरे टच में रहे, उन्होंने भी बार बार पूछा कि कैसा चल रहा है, उन्होंने बार बार मरीजों के बारे में भी पूछा। तो मुझे ये लगता है कि पूरी सरकार और
हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी चिंतित रहे कि लोगों का इलाज ठीक हो और ये नया माइलस्टोन है, इसको हम अचीव कर रहे हैं। तो ये था दिन भर का सियासी घटनाक्रम कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर घेरती नजर आ रही है भाजपा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को, किस तरह से उन्होंने बिलासपुर में मोर्चा खोला था। वहीं दूसरी तरफ आशीष शर्मा चुनाव प्रचार छोड़कर बालूगंज थाने पूछताछ के लिए पहुंचे थे और सबसे आखिर में टांडा मेडिकल कॉलेज में अब ट्रामा सेंटर खुलेगा और जनता को राहत मिलने के आसार हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये पूरा का पूरा रिव्यू जो है ये ख़त्म होता है। इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।